हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज देख पा रहे हैं मेरा जो ब्रॉयलर का एज है वो 34 डेज़ है, और ये जो ब्रॉयलर का अभी वेट हुआ वो 1900 से प्लस 1950 के आसपास हुआ। तो ये जो ओवर है, ओवर बॉडी वेट है, तो इसमें एक दिक्कत आ सकता है दोस्त, इस गर्मी के टाइम में हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी बहुत आ सकता है। तो यही डिटेल्स मैं आज बताऊंगा कि इसे हीट स्ट्रोक को आप रोक पाए आपके फार्म में। अगर आपका चिक्स का बॉडी वेट ज़्यादा है तो हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी जो है उसको रोकना चाहिए, वरना हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी 1, 2, 3 या तो फिर 4 नहीं होता, उसमें आता है 50 तो 60 तो 200 300 तक हो सकता है हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी। मतलब एक दिन में आपका फार्म का जो लाभ है टोटल ख़त्म हो जाएगा। तो इस बारे में मैं आज बताऊँगा कि कैसे चिक्स को दोपहर के टाइम में मैनेजमेंट किया जाता। जैसे कि मैं अभी जो फैन है, टोटल 8 फैन मैं ऑन कर दिया, और आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो चिक्स है, चिक्स एकदम बैठ के शांत से बैठा हुआ है। तो यही एक प्रॉब्लम है, चिक्स को आपको डिस्टर्ब करना चाहिए, वरना ये जो चिक्स है वो बैठे बैठे उधर ही मर जाएगा। क्योंकि वो मतलब जैसे कि मैं 1 घंटा पहले फैन को ऑन कर दिया, तो 1 घंटा से वो एक ही जगह में, एक ही एरिया में बैठा है, और नीचे जो लीटर है, लीटर का टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, लीटर गर्म हो जाएगा। तो इस कारण से ये जो जो बैठा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है। तो लीटर का टेम्परेचर अगर उसका शरीर में घुस जाएगा, हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी बहुत आ सकता है दोस्त। तो आप ऐसा भूल मत कीजिए, दोपहर के टाइम में गर्मी, अगर गर्मी में फार्म, समर सीजन में फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको दोपहर के टाइम में डेफिनेटली फार्म में रहना है और मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट बोलिए तो आपको चिक्स को डिस्टर्ब करके पानी और फीड खिलाना है। मतलब ऐसा नहीं कि चिक्स दोपहर के टाइम में पूरा 2 घंटा या तो फिर 2.5 घंटा तक वो कंटिन्यू बैठा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जस्ट ये मिडिल पोर्शन है, मिडिल में एक बार पैदल चल के फिर आना है, तो जो चिक्स है, चिक्स उठ के पानी और फीड खिलेगा। और ये जो फैन जो चल रहा है अभी, फैन को ऑफ करने का जो तरीका है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। फैन कंटिन्यू नहीं चलाना है, तो आपको 1 घंटा या तो फिर आधा घंटा बाद फैन को ऑफ करके चिक्स को उठाना है। तो मान लीजिए मैं अभी फैन 1 घंटा पहले ऑन किया था, तो मैं अभी यहाँ पे स्विच अप कर रहा हूँ फैन को। तो जैसे ही फैन को मैं स्विच अप किया, तो टोटल जो चिक्स है वो उठ के पानी और फीड खिलेगा, और उसका जो नीचे का जो एरिया है वो भी थोड़ा सा ठंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोपहर के टाइम में मैनेजमेंट करना है, अगर हीट स्ट्रोक को रोकना है तो। तो दोस्त, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद।